मध्य प्रदेश के ग्वालियर की जीवाजी यूनिवर्सिटी से एमए कर रहा छात्र पिछले 3 महीने से परेशान है। इस छात्र के पैन कार्ड से अज्ञात लोगों ने एक फॉर्म बनाई, जिससे पिछले 3 सालों में लगभग 46 करोड़ से ज्यादा का लेन देन किया गया है। छात्र को इस ट्रांजैक्शन का पता उस समय लगा जब उसके पास आयकर विभाग का नोटिस पहुंचा। इनकम टैक्स अफसर ने उस पर GST चोरी करने का आरोप लगाया है। जिले के हस्तिनापुर का रहने वाला प्रमोद दंडोतिया जीवाजी विश्वविद्यालय से एमए अंग्रेजी कर रहा है। प्रमोद का कहना है कि वो अपनी फीस जमा करने के लिए कई बार पैन कार्ड का इस्तेमाल कर चुका है। छात्र ने संभावना जताई है कि किसी ने उसके पैन कार्ड की कॉपी कर उसे GST फर्म बना ली। ये फर्म दिल्ली और पुणे में कार्यरत बताई गई है। प्रमोद दंडोतिया करोड़ों के लेन देन में अपने नाम का इनकम टैक्स का नोटिस मिलते ही भौचक्का रह गया। छात्र के पास 27 जनवरी को पहली बार इनकम टैक्स का नोटिस आया था। इसके बाद वो इनकम टैक्स GST डिपार्टमेंट कलेक्टर और पुलिस के आला अधिकारियों से मिल चुका है, लेकिन उसकी किसी ने मदद नहीं की। छात्र क्राइम ब्रांच के एडिशनल SP के पास पहुंचा और अपने साथ हुई घटना के बारे में उन्हें बताया। ग्वालियर से योगेश बिसारिया की रिपोर्ट। मेरा मामला यह है कि मेरे पैन कार्ड से किसी ने GST रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना ली है और उस फॉर्म से काफ़ी करोड़ों का लेन देन किया है, तकरीबन 40 करोड़ से ऊपर का शो हो रहा है मेरे उसमें। और इन्होंने 2021 से किया है, दिल्ली में और पुणे में फर्म बनी हुई है और वहाँ पर मेरे नाम के एड्रेस भी हैं। और मुझे इनकम टैक्स का नोटिस आया 27 जनवरी को, तब जाकर मुझे पता चला। और फिर मैंने यहाँ इनकम टैक्स में आके पता किया कि मतलब ये क्या मामला है, तो उन्होंने बोला कि आपके नाम की फर्म बनी हुई है, क्या आप कंपनी चलाते हैं? मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं कंपनी चला सकूँ। सर मैं स्टूडेंट हूँ, MA कर रहा हूँ इंग्लिश से, जीवाजी यूनिवर्सिटी से, SLP कॉलेज से। क्या पैन कार्ड मैंने किसी को नहीं दिया? मेरा पैन कार्ड सर मैंने आज तक अपने बैंक में ही यूज़ किया, उसके अलावा कहीं यूज़ नहीं किया है। सर इतना तो मुझे याद नहीं है किस नाम से है। इनकम टैक्स ने बोला कि आप जाके इसकी FIR कराइए साइबर में जाके। ये अभी एक शिकायत प्राप्त हुआ है, एक व्यक्ति साइबर सेल में आया है। उनका कहना है कि उनके पैन कार्ड का दुरुपयोग करके कुछ लोगों ने कंपनी खोल दिया और वो कंपनी ने बहुत सारे करोड़ों का ट्रांसैक्शन किया। उसी ट्रांसैक्शन को लेके इनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस प्राप्त हो गया। उस समय इनको पता चला कि उनका पैन नंबर का दुरुपयोग हो रहा है, तो उस संबंध में इन्होंने एक आवेदन दे दिया है। उनको वो सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करके आवेदन पुनः देने को बता दिया है, सलाह दे दिया है, उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी।